दुनिया की लोकसंख्या में बहुत सारे लोग एनीमिया से ग्रस्त हैं। गरीबी, कुपोषण, इन्फेक्शन जैसी बातें एनीमिया को और अधिक बढ़ा देती हैं। आयुर्वेद में एनीमिया या रक्त क्षय जन्य लक्षणों को पांडु रोग में समाविष्ट किया है। तो आज हम देखने जा रहे हैं एक ऐसी सेफ और इफेक्टिव आयुर्वेदिक दवा को जो हमारे खून की मात्रा को बहुत जल्द बढ़ाने में हमारे शरीर की मदद करती है। इस आयुर्वेदिक दवा का नाम है लोहासव। सबसे पहले इस दवा का वर्णन गद निग्रह नामक आयुर्वेदिक ग्रंथ में आता है। फिर शारंगर संहिता में और भैषज रत्नावली में इसकी बनाने की विधि का पूरा वर्णन किया गया है। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। लोहासव एक संधान कल्पना है जिसमें सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल होता है जो फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाया जाता है। सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल की वजह से इस दवा की गुणवत्ता और अधिक बढ़ती है। यह दवा तकरीबन 15 द्रव्यों को मिलाकर बनाई जाती है। इसमें त्रिफला, त्रिकटू, चित्र, यवानी, मुस्ता, विडंग और शोधित लोह चूर्ण के साथ लोहभस्म भी मिलाया जाता है। इन सब द्रव्यों को पानी और गुड़ के साथ फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाया जाता है। इस फर्मेंटेशन प्रोसेस में एक महीने का समय लग सकता है। इस दवा में बहुत ज्यादा मात्रा में प्यूरिफाइड आयन होता है जो हमारे शरीर में जल्द अवशोषित किया जाता है। ऑर्गेनिक स्वरूप होने की वजह से इसकी एक्शन जल्दी होती है जिससे हीमोग्लोबिन का स्तर जल्द बढ़ने लगता है। इससे थकान, कमजोरी, शरीर की सूजन जैसे लक्षण धीरे धीरे कम होने लगते हैं और हमारे शक्ति में वृद्धि होती है। इस दवा में उपयोग में लाई गई औषधियों की वजह से यह हमारे डाइजेशन में सुधार लाती है। एनीमिया में हमारी पाचन शक्ति कमजोर होती है और भूख भी नहीं लगती। इसी के साथ कब्ज भी बना रहता है। इन सभी समस्याओं के लिए लोहासव एक उत्तम दवा है। इस दवा का और एक उपयोग यह भी है कि आपको एस्थमा या एलर्जी की खांसी की समस्या में फायदा मिलता है। यह दवा का डोज 10 से 20 ml सुबह और शाम खाना खाने के बाद लेना है। यह दवा लेने से पूर्व आपको समान मात्रा में पानी मिलाकर ही लेना है। इस दवा को कम से कम डॉक्टर 2 महीनों तक लेने की सलाह देते हैं। याद रखिए, यह दवा आयुर्वेदिक डॉक्टर के सलाह से ही लेना सही है। वैसे तो यह दवा नेचुरल है लेकिन कुछ लोगों में हल्का पेट दर्द या दस्त होते देखे गए हैं। इस दवा में पड़े गुड़ के वजह से डायबिटीज पेशेंट डॉक्टर के सलाह से ही इसका इस्तेमाल करें वरना आपकी ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकती है। याद रखिए, 10 साल या 10 साल से कम उम्र के बच्चों को यह दवा बिल्कुल ही न दें। इस दवा के ओवरडोज से किसी को भी उल्टी आना, पेट दर्द होना या हल्के पतले दस्त होना ये समस्याएं हो सकती हैं। इस दवा को प्रेगनेंसी में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए जब तक कि आपके डॉक्टर अनुमति न दें। बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाएं इसको थोड़े समय के लिए ले सकती हैं लेकिन डॉक्टर की सलाह पर ही। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर आपके कुछ प्रश्न हो तो कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।